हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर पे इजीली 2 मिनट में हम ब्राउनी कैसे बना सकते हैं। ये ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और बस 2 मिनट लगते हैं बनाने में। इसके लिए हमें माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ती है, तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया, उसमें मेल्टेड बटर लिया है और फिर मैंने उसमें दूध लिया है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी पाउडर्ड शुगर और वेनिला एसेंस बिल्कुल थोड़ा सा। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लें। एक टाइनी विस्क का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा डाला है मैंने। फिर मैंने लिया है कोकोआ पाउडर, सब थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट्स है क्योंकि सर्विंग्स बस 2 बनते हैं। इसके बाद मैंने लिया है 1 बड़ी चुटकी बेकिंग पाउडर का और फिर मैं 1 छोटी सी चुटकी नमक डाल दूंगी इसमें और सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और एक स्मूथ बैटर हम बना लेंगे इसका। गाइस, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक रहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। सारे गुड क्वालिटी के बेकिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। इसके बाद मैंने डाला है 2 टेबल स्पून चोको चिप और उसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। फिर मैं डाल रही हूँ अखरोट यानी कि वॉलनट्स, वो लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और बाकी का मैं ऊपर से डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रोवेव सेफ कंटेनर लिया है, आप सिलिकॉन का भी ले सकते हैं या ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये था और मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ इस ब्राउनी को, तो मैं यही कंटेनर यूज़ कर रही हूँ माइक्रोवेव सेफ। और बैटर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है पूरी तरह से, अच्छे से स्पैचुला से लेवल कर लूँगी और अब मैं ऊपर से जो बचे हुए वॉलनट्स हैं उन्हें डाल दूँगी। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इसके बाद मैं माइक्रोवेव कर दूँगी 2 मिनट के लिए हाई पे रख के। और ये देखिए, हमारा बन के तैयार हो गया है ब्राउनी। हमने स्क्यूअर से भी टेस्ट किया है, क्लीन निकला था और डीमोल्ड किया है मैंने इसे। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउनी बना है, बहुत गर्म है ये, थोड़ा सा ठंडा करके फिर काटिएगा। और ये देखिए, हमारा जो ब्राउनी है इंस्टेंटली बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा केकी नहीं है, बहुत ज़्यादा फजी नहीं है, बैलेंस है एक अच्छा सा। अगर आप इसे घर पे ट्राई करते हैं ज़रूर पिक्चर शेयर करें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, मुझे फॉलो करें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।